वर्तमान में कई लोगों के लिए रिश्ते नाते से ज्यादा जरूरी पैसा हो गया है। पैसों की खातिर यारी दोस्ती तो क्या, खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। इसी तरह की एक घटना हुड़केश्वर थाना अंतर्गत सामने आई। एक युवक ने अपने दोस्त के घर पर 4,50,000 रुपए सुरक्षा की दृष्टि से रखे, लेकिन दोस्त ने स्टैंप पेपर पर साइन कराकर सारी रकम हड़प ली गई। आरोपी का नाम खड़बी रोड निवासी विनोद पाटिल बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू अमरनगर में रहने वाले प्रवीण हरिदास मल्लेवार और विनोद एक ही गांव के होने से उनके बीच अच्छी जान पहचान थी। विनोद अपनी पत्नी के साथ रहता है। बातचीत के दौरान प्रवीण ने विनोद को एक प्लॉट खरीदने की इच्छा जताई। कुछ दिन बाद विनोद ने उसे दलाल के माध्यम से जीजामाता नगर में वैष्णो लेआउट में 800 वर्ग फीट का प्लॉट दिखाया। प्रवीण को प्लॉट पसंद आया और 5,85,000 रुपए में सौदा कर लिया। दलाल भूते को 11,000 रुपए बयाना देकर स्टाम्प पेपर बना लिया गया। इसके बाद प्रवीण ने अपने पास जमा और रिश्तेदारों की मदद से 4,50,000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन इतनी बड़ी रकम घर में होने से चोरी के डर से वह विनोद के यहाँ पहुँचा। विनोद को रकम उसके घर रखने को कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन रकम मांगने पर विनोद ने काम का बहाना बनाकर शाम को रकम देने की बात कही। प्रवीण का आरोप है कि वहां उससे बिना पढ़े ही एक स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लिए गए। फिर बताया गया कि इस पर लिखा गया है कि उन्होंने सारी रकम लौटा दी है। इसके बाद विनोद ने उसे धमका कर वहां से भगा दिया। अपने साथ हुई धोखाधड़ी से परेशान प्रवीण ने पुलिस से सहायता मांगी और विनोद के खिलाफ शिकायत की।